हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एजुकेशन वीडियो बनाने का प्रोफेशनल तरीका बताने वाला हूं। जैसे आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहां पर आपका सबसे पहले क्वेश्चन आएगा। जैसे ही आप क्वेश्चन को पढ़ दोगे, उसके बाद यहां पर कोने पर सेकंड चलने लगेंगी। जैसे ही 10 सेकंड पूरी होंगी, आपका यहाँ पर आंसर शो होने लगेगा। इस प्रकार की एजुकेशन वीडियो आप अपने मोबाइल से आसानी से बना सकते हैं। आज मैं आपको इस प्रकार की एजुकेशनल वीडियो बनाने का आसान तरीका बताने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। आपको एजुकेशन वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले इस इमेज की आवश्यकता होगी। इस इमेज की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस इमेज को डाउनलोड कर देने के बाद आपको अपने प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर आ जाने के बाद आपको काइनमास्टर ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इस ऐप की लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप को डाउनलोड कर देने के बाद आपको इसे ओपन करना है। चलिए मैं इस ऐप को ओपन कर ले रहा हूँ। जैसे ही आप काइनमास्टर ऐप को ओपन करोगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। अब आपको इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको 16:9 पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। अब आपको इस मीडिया वाले आइकन पर क्लिक करना है। अब आपको वो वाली इमेज चूज कर लेनी है जिसे आपने अभी डाउनलोड किया था। चलिए मैं इस इमेज को चूज कर लेता हूँ। इमेज को चूज कर देने के बाद आपको इसे आगे कर लेना है। इसके बाद आपको इस इमेज पर क्लिक करना है और इसके बाद इस आइकन पर क्लिक करना है। इस आइकन पर क्लिक कर देने के बाद आपको इसे फिट कर देना है। चलिए मैं इसे फिट कर दे रहा हूँ। फिट कर देने के बाद आपको इस डबल वाले आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देना है। चलिए मैं इसे बढ़ा दे रहा हूँ। आपको जितनी लंबाई बढ़ा देनी है जितने आपको क्वेश्चन लिखने हैं। अब आपको यहाँ पर अपना क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन लिखने के लिए इस लेयर पर क्लिक करना है। लेयर पर क्लिक करने के बाद आपको इस टेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना क्वेश्चन लिख देना है। चलिए मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन लिख के बता देता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर अपना क्वेश्चन लिख दिया। इसके बाद आपको ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। अब इसे थोड़ा छोटा कर देना है। छोटा कर देने के बाद आपको इस ए वाले आइकन पर क्लिक करना है। इसे अच्छे थोड़े बड़े कर देने हैं। अब मेरा यहाँ पर क्वेश्चन लिख चुका है। यहाँ पर आपको ऑप्शन देने हैं। चलिए मैं फिर से टेक्स्ट पर क्लिक करके ऑप्शन लिख ले रहा हूँ। अब ऑप्शन लिख देने के बाद आपको यहाँ पर सेट कर देने हैं, जैसे मैंने यहाँ पर कर दे रहा हूँ। इसके बाद फिर से क्लिक करके थोड़े अक्षर बड़े कर देने हैं। इनका आप कलर भी बदल सकते हो। कलर बदलने के लिए इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको कलर बदल देना है। देखिए, मैंने यहाँ पर कलर बदल दिया जिससे ये अच्छा लगने लगा है। दिख रहा होगा आपको। आपको अपना पूरा क्वेश्चन लिख लेने के बाद आपको इस वॉइस पर क्लिक करना है और आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ देना है। चलिए मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ ले रहा हूँ। मानव का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, निम्न में से क्या होगा? देखिए, यहाँ पर आपकी वॉइस रिकॉर्ड हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर कोने पर सेकेंड लगानी है। सेकेंड लगाने के लिए मैंने वीडियो की लिंक दे रखी है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से सेकेंड वाली ग्रीन स्क्रीन डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद आपको लेयर पर क्लिक करना है और मीडिया पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको वो वाली स्क्रीन चूज कर लेनी है जिसे हमने डाउनलोड किया था। चूज करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है और क्रोमा की इनेबल कर देना है। इसके बाद ओके के बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर क्लिक करके इसके कोने पर छोड़ देना है। अब आपको क्वेश्चन की भी लंबाई बढ़ा देनी है, इसके थोड़ा आगे कर देना है, जैसे मैंने ग्रीन स्क्रीन लगाई है। और ऑप्शन की भी लंबाई बढ़ा देनी है, इसके बराबर कर देनी है। अब आपको इस जगह पर जाना है जहाँ पर आपकी सेकंड ख़त्म होती हैं। इसके बाद लेयर पर क्लिक करना है और फिर से टेक्स्ट पर जाकर ये वाला निशान चूज कर लेना है और ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। देखिए, ये निशान आंसर वाली जगह पर लग चुका है। अब आपको यहाँ पर आगे जाना है जहाँ पर ये ख़त्म होता है। इसके बाद आपको कैंची पर क्लिक करना है और इसे कट कर देना है, इसके बराबर करके ओके पर क्लिक कर देना है। अब आपका क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया है। चलिए अब अपना क्वेश्चन प्ले करके देखते हैं कैसे बनकर तैयार हुआ है। मानव का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, निम्न में से क्या होगा? देखिए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये सेकंड चलने लगेंगी। जैसे ही सेकंड खत्म होंगी, आपका आंसर शो होने लगेगा। देखिए, अभी सेकंड खत्म हो रही है। ये देखिए, ऑप्शन भी शो हो चुका है। इस प्रकार आप और भी क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन ऐड करके दिखा दिया है, और वो क्वेश्चन ऐड करने के लिए आपको इस बैकग्राउंड पर क्लिक करना है और इसे बड़ा कर देना है। इस प्रकार आपको पूरी वीडियो बना लेने के बाद इस शेयर वाले आइकन पर क्लिक करना है, और शेयर वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है, जिससे आपकी वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगी। अब आप इसे यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको इतना करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट के जरिए कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को अवश्य सॉल्व करूंगा। आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें।